अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, मैं हूँ आरिफ हाशमी। आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मुमरा पुलिस स्टेशन को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहाँ दो गांजा व्यापारियों को मुमरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसमें दो आरोपियों में एक लेडीज़ है, एक जेंट्स है, जिसे गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष खड़ा किया गया, जहाँ कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर भेज दिया है। इस विषय में हमने मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से बात की है, यहाँ के ACP रमेश धुमाड़ जी से बात की है। आइए जानते हैं उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है। सर, अब कुछ दिन पहले मुमरा पुलिस ने नशा बेचने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। तो क्या कार्रवाई की गई है, किन लोगों के खिलाफ है और क्या नशे की कौन सी चीजें बरामद की गई है? सर, हमारे जो NDPS की जो टीम है, हेड कांस्टेबल उदय कोरे, कांस्टेबल कृपान जुआटकर और खैरनाथ, ये लोगों को मालूम मिली है कि दोपहर में 22 तारीख को दोपहर में 2:30 बजे थाना रेलवे मुमरा रेलवे स्टेशन के जो पार्किंग का एरिया है, उधर कुछ लोग गांजा बेचने के लिए आने वाले हैं, तो इसलिए उधर ट्रैप लगाया। उधर जो सस्पेक्टेड लोगों का जो हुलिया बताया था, उस हुलिया देख के हमारे जो लोगों ने उनको दबोच लिया। तो उनका नाम पूछा तो एक का नाम था मोहम्मद हुसैन अहमद खान और दूसरे का उसके साथ जो लेडीज़ थी रेशमा शंकर रेडियार, ये दोनों जो खान है मोहम्मद खान अहमद खान जो है वो खरडी गांव का रहने वाला है और ये सटियार इधर के रहने वाले मुमरा के। तो ये दोनों पे इसके पहले भी केस रजिस्टर था। इनके पास जो बरामद हुआ माल जो गांजा है, जो नशीला है, जो वो 3 किलो 58 ग्राम 25,000 रुपये कीमत उसकी है। तो उनको दोनों को माल के साथ एक बैग में था, तो उसके साथ तो उसको पकड़ लिया है। सर, ये दोनों जो महिला और पुरुष अपराधी पकड़े गए, इससे पहले जो है क्या इन पे बेचने की ही कमर्शियल क्वांटिटी की जो केसेस होती है, इसी तरह की केसेस है? सर, जो सेटियार है वो इधर और उनका मेन धंधा बॉम्बे में है। अच्छा, तो बॉम्बे में उसकी माँ और ये सब एक खानदानी उनका ये धंधा करते गांजा बेचने का, तो उसी साथ अपने मुमरा में बेचने का खबर मिली, उस हिसाब से अपने कार्रवाई की। इनके पहले इसके पहले भी गांजा बेचने के केसेस दर्ज है अलग अलग जगह। सर, इनको कितने दिन की पुलिस रिमांड मिली है? दो दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है। सर, ये किन किन लोगों को बेचते थे वगैरह, ये कुछ जाँच चल रही है? अभी दो रिमांड मिला है उनका, तो उसमें हमारी जांच चालू है। इधर छोटे मोटे जो धंधे वाले उनको बेचते थे और वो लेने के लिए उनको ही बेचने के लिए आए थे, लेकिन जो क्वांटिटी है मालूम हो गया है। तो ऐसे लोगों ने हमने जो हमारे जो बातमीदार तैयार कर उसमें से ये हमारे को कामयाबी हासिल हो गई। सर, मुमरा में नशा बेचने वालों के खिलाफ जो है मुमरा पुलिस ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई की है, तो कुल मिलाकर के बड़े विक्रेता और छोटे विक्रेता अमूमन जो है ये कार्रवाई का जो है आपके मार्गदर्शन में, DCP साहब के मार्गदर्शन में ये निरंतर कार्रवाइयाँ चल रही है। सर, तो क्या पूरी इसकी डिटेल है, क्या जानकारी है पूरी? सर, मुमरा पुलिस स्टेशन में नशे के खिलाफ में एक टीम तैयार की गई है जो इसके ऊपर रेगुलर कार्रवाई करती है। करीबन 130 से ज़्यादा केसेस नशे के खिलाफ हमने किए हैं। इसमें जो जो मेन बेचने वाले थे उनके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई हुई है और जो कंजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन की भी कार्रवाई मुमरा पुलिस स्टेशन की पूरे कमिश्नरेट में ज़्यादा है। इसका दूसरा एक पहलू है, जो नशे के कारोबार जो करते हैं उनके ऊपर सिर्फ हमने कार्रवाई करके उनको छोड़ा नहीं है, तो उनके ऊपर रेगुलरली वॉच है और जैसे वो इधर मुमरा में हमको दिखते हैं तो उनको हम तुरंत गुने में लेते हैं, उनके ऊपर कोई प्रिवेंटिव कार्रवाई करते हैं। दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ पे आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मुमरा पुलिस स्टेशन में आप 2 साल से लगभग देखते होंगे, पहले ताड़े साहब थे, फिर बाद में पासलकर साहब आए, लेकिन ये 2-2.5 साल के बीच में मुमरा में, कड़वा में या डाइगर में कोई बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इशू आपको दिखाई नहीं दिया होगा। जी, ये तो सिर्फ उसका रिजल्ट है, लेकिन उसके पीछे सभी ऑफिसर्स, सभी हमारे कर्मचारियों की बहुत मेहनत है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा इशू है जिसके लिए मुमरा जैसे सेंसिटिव एरिया में सबसे ज़्यादा प्राधान्य है। जब कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन सबके साथ में
उसमें पत्रकार भी है, सबके साथ में हमारे अच्छे संबंध है बेशक, और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग उनकी जो भी मांग रहेगी, जो भी उनका आंदोलन रहेगा, पुलिस से डिस्कस करते हैं और फिर उनका जो भी संदेश देना है वो पुलिस उनके साथ मिलके सब ये जो लॉ एंड ऑर्डर के इशू है वो निपटाती है, ये उसका कारण है। दूसरी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्राइम जो है सिर्फ पुलिस की पीठ थपथपाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप जो भी जानदार लोग हैं उनको पता है कि 2-2.5 साल पहले का क्राइम जो है और ये 2 साल का क्राइम जो है इसमें घट आई है, कमी आई है। तो इसका एक कारण मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मुमरा, कड़वा, डाइगर ये तीनों पुलिस स्टेशन में लगभग हमने 5 मौका के कोई केसेस ये 2 साल में किए हैं। 2 टीम्स जो थी वो गैंग्स कलवा की थी, एक सागर बाग उर्फ माथा है, दूसरा काला गन है, ये लोग उधर से एक्सट्रैक्शन करते थे, वो दोनों भी अभी 2-2.5 साल से अंदर है। मुमरा में हमने एक केस किए है नदीम चिकना करके, वो भी अभी 7-8 महीने से अंदर है। उसके बाद में डाइगर के 2 केसेस है, मोहसिन चीरा करके उसका लीडर था जिसने रोड पे मर्डर किया था, रॉबरी मर्डर था, रॉबरी मर्डर था, वो भी अभी उसमें से 5 आरोपी अभी भी 2-2.5 साल से अंदर है। और फिर टाइगर में हमने फिर से एक जो मोबाइल स्नैच करते थे या चेन स्नैच करते थे उनके ऊपर ऐसे 9 आरोपी है, उनमें से 4 आरोपी जेल में है। और प्रतिबंधक कार्रवाई के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा 107 CRPC, 110 CRPC इनके ऊपर जोर दिया है, इसलिए ये 2-2.5 साल से हम देखेंगे तो क्राइम प्रिवेंशन हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है और नशे के खिलाफ भी पुलिस उतनी जोर से कार्रवाई कर रही है।